हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के कंप्यूटर क्लास के नए वीडियो की, जो कि प्रैक्टिशन नंबर 8वां होगा। इसके पहले 7 प्रैक्टिशन हो चुका है, तो आज 8वां प्रैक्टिशन कंप्यूटर क्लास का सिलेबस के अनुसार देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसके पिछले वाले जो वीडियो प्रैक्टिशन नंबर 7 तक, जिन्होंने नहीं देखा हो चैनल पेज पर जाइए, आप लोग वहाँ से उसको भी देखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं लिंक उसका प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से उसको जाकर देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आज का 8वां प्रैक्टिसेट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण, डाटा प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए, डाटा मेल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए जो है गणितीय तकनीकों का उपयोग करना क्या कहलाता है, या क्या कहा जाता है इसको? तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी करना, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रिप्टोग्राफी करना होता है, जैसे गोपनीयता रखना, सिक्योरिटी टाइप का, ठीक है, डाटा जो है सिक्योर करना, इकाई प्रमाणीकरण करना, ठीक है, डेटा मेल को प्रमाणीकरण करना, तो और गणितीय तकनीकें होती हैं जो मैथमेटिकल टेक्निकल इश्यूज होते हैं उनके उपयोग को जो है क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के टेस्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय, यानी एमएस वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके टेस्ट डॉक्यूमेंट में संपादित करना माने कि एडिट करना, ठीक है। तो एडिट करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें से बताना। जैसे कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, या फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए, या फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करते हैं, या फिर कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, या फिर कंट्रोल वी कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। तो एडिट जो किया जाता है उसमें कॉपी और पेस्ट जो किया जाता है वो कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से जो है सी टी आर एल कंट्रोल प्लस सी से करते हैं कॉपी, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं कॉपी करते हैं, और कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट करते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW में पहुंच सकता है, ठीक है, किस प्रोटोकॉल के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है, पहुंच सकता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP, आंसर क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा HTTP, ठीक है। हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन HTTP, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायता सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा उदाहरण है जो कि सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है, जैसे लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग का उदाहरण है ये बताना। तो इसमें सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम ये दोनों सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट ये सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग है, साइट है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं, डेटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं ये बताना, ठीक है, यहाँ पे डेटा होगा और इसमें बताना कि इसके साथ क्या सही नहीं है। तो दिया गया है एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद करना, या फिर दिया गया कि लेगेसी सिस्टम को डाटा प्राप्त करना, या फिर दिया गया दूसरे मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना, या फिर यह मानक सूचित कार्यक्रम का जो है उपयोग कर सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सी पार्ट जो दिया गया है लीगेसी सिस्टम को डाटा प्राप्त करना, तो ये जो है डेटा रूपांतरण यानी कि डेटा ट्रांसफ़र का कारण है, इसके बारे में सही है, ठीक है। दूसरे मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना ये भी डेटा ट्रांसफ़र से संबंधित है, यह मानक सूचित कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है, ये भी जो है इसके बारे में सही, लेकिन एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद करने का काम जो है इसका काम नहीं होता, ठीक है, अनुवाद करने का काम कोई दूसरा करता है, ये जो है डेटा रूपांतरण का काम नहीं होता, तो आंसर आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है, ठीक है, बताना है, इनपुट आउटपुट एवं प्रोसेसिंग होता है, या फिर कंट्रोल यूनिट प्राथमिक यानी प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज होता है, या फिर कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या प्राइमरी स्टोरेज होता है, या फिर कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग और प्राइमरी स्टोरेज होता है, इसमें से क्या क्या बताना है, ठीक है, इसमें से बताना कि क्या क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU में होता है इनमें से, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CPU में क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको हम ALU कहते हैं,
और इसके अलावा प्राइमरी स्टोरेज भी होता है। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीटी किस प्रकार का उदाहरण है? डीबीटी जो होता है किस प्रकार का उदाहरण होता है? तो डीबीटी जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होता है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष जो है IITM जो है, सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष जो है IITM यानी कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में ये कहाँ पर स्थापित किया गया, ठीक है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पर है, जहाँ पर सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को स्थापित किया गया है, स्थापना किया गया है, ये बताना है। तो ये जो है IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, पुणे में स्थापित किया गया प्रत्यूष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डीबगिंग क्या होता है ये बताना कंप्यूटर टर्म में। तो डीबगिंग में दिया गया है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को रोल आउट करने की, तो गलत है, डीबगिंग करना नहीं होता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को संशोधित करने के भी जो है डीबगिंग करना नहीं होता। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को जाँच करने की, तो ये डीबगिंग होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अगर त्रुटियाँ उसको जाँच किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, और उस जाँच करने के सही करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डीबगिंग करना। तो डीबगिंग होता है, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कमांड जो है संपादन करने की प्रक्रिया है इनमें से, ठीक है, माने इसमें से कौन सा कमांड एडिट करने की प्रक्रिया होता है? फेचिंग है, स्टोरिंग है, डिकोडिंग है, एग्जीक्यूटिंग है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो आता है डी ऑप्शन, ठीक है। आंसर इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, एग्जीक्यूटिंग जो होता है वो कमांड संपादन करने की प्रक्रिया होती है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADSL किस प्रकार के डाटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता के केंद्रीय कार्यस्थल और ऊपरगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है? तो ये होता है उच्चतर डाटा दरों को, ठीक है। ADSL जो होता है वो उच्चतर डाटा दरों को जो है इस प्रकार चीज़ें करता है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उच्चतर डाटा दर। अगला प्रश्न है, एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है और वो किस प्रकार के एप्लीकेशन, एक किस प्रकार के सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए, ये बताना। तो वो होता है बैक एंड, एक सर्वर जो होता है बैक एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो है क्लाइंट सपोर्ट क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है। तो आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, बैक एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन बैकग्राउंड किसके रूप में जाना जाता है? तो स्क्रीन बैकग्राउंड जो होता है ये किसके रूप में जानते हैं? तो ये डेस्कटॉप के रूप में होता है, डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप के रूप में होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, डेस्कटॉप के रूप में जाना जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है वो किस रूप में जाना जाता है? तो जो जो है हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर जो है रोम में संग्रहित होता है उसको हम किस रूप में जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं फर्मवेयर के रूप में। आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसे फर्मवेयर के रूप में जानते हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि खुदरा कर्मचारी जो होते हैं आमतौर पर बिक्री के लेन देन के प्रोसेस के लिए किस प्रकार के टर्मिनल का उपयोग करते हैं? तो जो खुदरा कर्मचारी होते हैं ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करना तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।